उमर की अहद हुकूमत का बाकया बच्चा था उनका एक हंसी और लाडिला। हजरत उमर की आंखों का तारा वो दिल का चैन बच्चे को रास्ते में मिले एक दिन हुसैन। बच्चे को रास्ते में मिले एक दिन हुसैन। कुछ खेल खेल ही में यूं अनबन सी हो गई गुस्से से लाल मुंह हुआ उलझन सी हो गई। बोले हुसैन बच्चे से तू बदलगाम है मालूम नहीं तुझको तू मेरा गुलाम है। मालूम नहीं तुझको तू मेरा गुलाम है। हुसैन कहते हैं मालूम नहीं तुझको तू मेरा गुलाम है। तो ये बात सुनकर वो बच्चा क्या करता है, ये सुनते ही बच्चे को फिर ना रही खबर बोला कि मेरा बाप भी सुल्तान है उमर। मैं बादशाह का बेटा हूँ ताजीम मेरी कर वरना मैं अपने बाप को दूंगा तेरी खबर। वरना मैं अपने बाप को दूंगा तेरी खबर। तो हुसैन कहते हैं, क्या कहते हैं हुसैन? बोले हुसैन जाओ अपने बाप से कहो और तुमको कसम है कहते हुए हमसे मत डरो। बच्चे ने जाके बाप को किस्सा सुना दिया अब्बा हमें हुसैन ने नीचा दिखा दिया। अब्बा हमें हुसैन ने नीचा दिखा दिया। जब उमर फारूक के साहबजादे उमर फारूक से ये बात कहते हैं कि अब्बा हमें हुसैन ने नीचा दिखा दिया तो उमर फारूक कहते हैं उस बच्चे से जाकर कहो कि एक कागज पर लिखकर दे दे फिर मैं उसकी खबर लूंगा आखिर है कौन जो मेरे बेटे से उलझा है। तो क्या होता है, बोले उमर ये बच्चे से लिखवा के जल्द ला जो कुछ कहा जनाब ने लिख दीजिए जरा। जो कुछ कहा जनाब ने कह दीजिए जरा। जो कुछ कहा जनाब ने कह दीजिए। हुसैन ये कोई मुश्किल मकाम है हम लिख के दे रहे हैं तू मेरा गुलाम है। हम लिख के दे रहे हैं तू मेरा गुलाम है। अब हुसैन लिखकर दे देते हैं और वो बच्चा लेकर जाता है वो खत यानी वो कागज अब जाकर उमर फारूक को देता है। उमर फारूक खोल कर देखते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे ने जाके बाप को किस्सा सुना दिया बच्चे ने जाके बाप को तहरीर जब के दी हजरत उमर ने चूम के आंखों से बो मली। हजरत उमर ने चूम के आंखों से बो मली। बोले उमर ये बच्चे से मैं सादका सुनाऊंगा